अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज मैं आपके साथ दो तरह के सैंडविचेस यानी हॉट एंड कोल्ड सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करने के लगी हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने प्याज ऐड किया है चॉप किया हुआ और खीरे हम इसमें चॉप किए हुए ऐड कर देंगे। चिकन मैंने बॉयल कर लिया था काली मिर्च और नमक डाल के और उसके बाद इसको श्रेड कर लिया था। देन हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मेयोनीज जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है और थोड़ा सा हम इस पर स्पाइस ऐड करने के लिए थोड़ी सी रेड मिर्च ऐड करेंगे। ये बच्चों के लिए बेस्ट हैं, आप उनको बना के दें लंच बॉक्स में, दे आर गुड टू गो। सो इसके हम कॉर्नर्स एजेस कट कर दिए हैं और इस मिक्सचर को इसके ऊपर स्प्रेड करके इसको कवर कर देंगे और इसको जो है कट कर लेंगे। सब हम रेडी कर लेते हैं सेकेंड सैंडविचेस। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसमें चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे, चॉप किए हुए कैप्सिकम ऐड करेंगे, थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड किए हैं, रेड मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड किया है एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तंदूरी मसाला फॉर अ गुड फ्लेवर। इसके बाद मैंने इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है और इसमें धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे और इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे और केचप ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चिली गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए और इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। और दूसरी साइड पे हम इसके बटर लगा के इसको ग्रिल कर लेंगे दोनों साइड से ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए फॉर ईच साइड। सो दे आर ऑल्सो रेडी। देखें कितना मज़े का जो है वो ग्रिल की लाइंस आ गई हैं और ये अच्छे से टोस्ट हो गया है। इसको कट करेंगे। सो दीज आर रेडी, ज़रूर ट्राई करें, दे आर वेरी सिंपल और आपके इफ्तार टेबल को 4 चांद लगा देगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें और सब्सक्राइब करें। फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। अल्लाह हाफिज़।